मास्क वैसे निकाल नहीं रहा था, क्योंकि मैं अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं मास्क निकालने नहीं दूंगा। तो क्या आज फिर से निकले हैं, कुछ काम करने हैं। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज मैं जा रहा हूँ द्वारका, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था तो द्वारका में ही रुका था। एंड मेरे कुछ सामान वहाँ पर छूटे हुए हैं तो मैं जा रहा हूँ लाने। एंड अभी हूँ मैं मयूर विहार में। सो सुबह निकलने का ही प्लान था, भाई लेट हो गया तो कुछ काम करने लगे यार, वीडियो अपलोड करने के लिए नेटवर्क नहीं मिल रही थी अच्छी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। एंड सामने ये मार्केट है, तो ये मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है मयूर विहार के फेज़ वन में। तो यहाँ से निकल लेते हैं, फिर मैं यहाँ से रिक्शा लेनी पड़ेगी। सो यहाँ रिक्शा का वेट कर रहे हैं, यहाँ से रिक्शा लेकर हम लोग जाएंगे मेट्रो फेज़ वन, फिर वहाँ से फिर जाएंगे द्वारका। सो या अब दिन भी काफ़ी गर्मी है, दिल्ली में काफ़ी गर्मी लग रही है वैसे यार। तो यार हाँ, मेट्रो स्टेशन फेज़ वन का मयूर विहार का। एंड हम लोग यहाँ से मेट्रो लेंगे एंड मैं जाऊंगा द्वारका, जो यहाँ से सीधे द्वारका चली जाती है। आपको चेंज नहीं करने पता है किधर भी। और यहाँ से द्वारका जाने के लिए करीब एक घंटा लगेगा, ऑलरेडी एक घंटा तो लगेगा ही लगेगा। सो अभी मैं कैमरा बंद कर देता हूँ क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं करेगा। सो मैं अभी यहाँ मेट्रो आएगी, हमें द्वारका जानी है। एंड आई थिंक 5 मिनट और है, वहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट और है। एंड ये साइड से नोएडा सिटी सेंटर। सो वेट करते हैं, 5 मिनट टाइम तो लगेगी नहीं। हमें ये साइड में जाना है द्वारका सेक्टर 21 की ओर, तो हमें जाना है सिर्फ सेक्टर 8, जो कि ऑलरेडी यहाँ से करीब करीब एक घंटे लग जाते हैं। एंड आज के दिन भी सनी एंड ब्राइट है, शाइनिंग। तो हम अपने कपड़े लेने आए थे और सो काइंड ऑफ हम लोग सीधे यहाँ से आए, लेट हुआ और कपड़े इधर पड़े हुए थे तो हमने ले लिए इस रूम से। सो भी मैं द्वारका में आया था एंड द्वारका सब सीधे जा रहा हूँ। मे भी बीच में कहीं प्लान ऐसा चल रहा है कि हम लोग सिटी में जाएंगे, बट हमारे पास एक बैग है थोड़ी से बड़ा, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट देखते हैं, हम लोग जाएंगे सिटी में एंड पता नहीं आप लोग जैसा होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। जिस दिन आया था ना, इस दिन ये दोस्त के रूम पे ही आ गया था और मैं यहीं रुक गया था। तो जितने भी बैग्स थे जिसमें मेरे कपड़े लेते, वो मैं यहीं पर छोड़ दिया था और दूसरे दोस्त के पास शिफ्ट हो गया था नोएडा में। तो मैं सोच रहा था किस दिन आऊँ किस दिन आऊँ, तो मेरे साथ एक मेरे भाई हैं, मैं आपको आगे चल के उनके बारे में बताऊँगा। चेतन भगत है, चेतन भगत से आपको मिलवाऊंगा। सो अभी तो सारा सामान पैक कर लिए हम लोग एंड निकल रहे हैं। सो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता, बाहर निकल के फिर हम लोग बात करते हैं। सो यहाँ से निकलते हैं फर्स्ट। सो अभी जस्ट हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं, मेट्रो में हैं एंड द्वारका सेक्टर 8। एंड हाँ, हमारा प्लानिंग हो जो हम लोग जा रहे हैं कैनोट प्लेस, वहाँ पर। सो अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, सो अभी जा रहे हैं। और इस वक्त टाइम है तो इस वक्त भीड़ यहाँ से द्वारका सेक्टर 8 से आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है, बट हाँ ऐसा हो रहा है आज मिलती आज अगर ऑफिस छुट्टी नहीं होती, क्योंकि आज दशहरा है तो ऑफिस काफ़ी छुट्टी है, तो कोई इतना हरी नहीं है, कोई है नहीं। सो अभी यहाँ ऊपर अपन मेट्रो लेंगे एंड यहाँ से निकलते हैं सिटी के लिए। मे बी वही एक घंटा और टाइम लगेगा एंड देन फिर अपन मिलते हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है एंड हम अभी आए राजीव चौक, जैसा कि बोला था कि मैं आऊँगा राजीव चौक। सो हम लोग अभी आए हैं, काफ़ी लेट हो गए यार, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम क्या हुई कि द्वारका ही जब पहुँचे थे ना, वहीं लेट हो गई एंड वहाँ से इधर से गए, तो हम सोचे कुछ देर रुक जाते हैं तो फिर चलते हैं, तो इसी के कारण लेट हो गई। बट कोई नहीं, यहाँ पर काफ़ी हैपनिंग होने लगी। मैं शायद 1.5 साल बाद यहाँ पर आया हूँ एंड यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें हैपनिंग होने लगी। तो अभी कुछ हम लोग ढूँढ रहे हैं, ये OnePlus का सर्विस सेंटर ढूँढ रहे, क्योंकि मेरा जो पहले OnePlus फ़ोन था वो गिर के उसका स्क्रीन ख़राब हो चुका है। एंड हम सोच रहे को क्यों ना उसको देख, एक बार रिप्लेसमेंट अगर होती है तो उसको करवा लें। एंड वही ढूंढ रहे, शायद मिल जाए, इधर ही साइड में है या पीछे किसी ने बताया, आगे चल के आपको मिल जाएगा। सो देखते हैं। एंड मास्क नीचे करके मैं कर रहा हूँ क्योंकि, और यार इसका रात में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है। आई मीन मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छा नहीं दे रहा था, आई मीन जो कैमरा है वो ऊपर वो अच्छा नहीं चल रहा था। वो आ गया क्या? सो सर्विस सेंटर भी मिल गया, हम लोग गए भी, बट यार आज बंद है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि दशहरा में भी बंद रहेगा, बट वो आज बंद है एंड आज नहीं हुआ, कल फिर जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे पास OnePlus 5T इससे पहले था एंड मैं मुंबई में था, तो मेरे जो नेफ्यू है उसने उसको फेंका, तो पहले से भी थोड़ा सा स्क्रेच था, बट उसने फेंका तो पूरा स्क्रीन ही डैमेज हो गया, पूरा ख़राब हो चुका है। तो मैं सोचा उसका स्क्रीन, मैंने दूसरा फ़ोन तो ले लिया, बट मैं सोच रहा हूँ उसका स्क्रीन चेंज करवा दूँ एंड देन उसको रिप्लेस करूँ या जो भी होगा मैं करूँ। सो उसी के लिए आया था मैं, सोचा कोई आइडिया नहीं था कि इधर चलने का, और
बट हो नहीं पाए। कल देखो, कल तो नहीं पॉसिबल है, कल हम लोग नहीं आ पाएंगे, कल कहीं जा रहे हैं, आप तो देख ही लोगे ब्लॉग में। ये भी देखते हैं, मंडे या ट्यूसडे में फिर आऊँगा यहाँ पर एंड कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लेस करवा लूँ। ये जो आपको हैपनिंग दिख रही है ना यहाँ पर, मतलब जितनी है, मतलब फिर से पहले हो, मैं बहुत दिनों बाद ये देख रहा हूँ। एंड ये रहा वन प्लस, तो अपना काम हो गया है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ कभी नहीं आया है कि फिर से दिल्ली पहले जैसा दिल्ली होते जा रहे हैं। एंड थैंक गॉड अब से कोई कोरोना वरोना ना है और जो भी है बहुत सही चल रहा है। तो अभी सोचे कि कुछ देर हम लोग ऐसे घूम लेते हैं, एंड कैमरा निकालने से कैमरा में उतना ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा था, तो मैं सोचा कि मोबाइल से शूट करता हूँ। एंड थोड़ा देर टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे यहाँ पर, एंड देन फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे रूम पे के लिए। सो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कैमरा इसका। एंड तो जो मेरे दिन पूरे दिन मेरे साथ जो मेरा भाई रहा है, वो चेतन भगत, जो मैंने आपको बोला था इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, तो मेरा भाई ये रहा कैमरे में हाई कर रहे हैं। सो यार मेरे पूरे दिन यही रहा। एंड ये हमारा दोस्त है जो कि हम जब मैं दिल्ली में था तो हमारे साथ ही हम लोग पढ़ते थे, तो ऑफकोर्स आज हम लोग साथ में घूम रहे हैं। एंड मैं इसके पास अभी उनका कुछ दिन से इसी के साथ आया था, एंड हम लोग द्वारका वगैरह जहाँ भी गए इसके साथ घूमे एंड फिर गए। तो अभी तो बस हम लोग सोचे कुछ खाने के लिए, सोच रहे कुछ खाए एंड यहाँ से निकले, क्योंकि हम रूम पे जा रहे हैं, क्योंकि अपना बॉडी जवाब दे रहा है कि अब निकलते हैं। दिन से पूरे दिन से घूम रहा हूँ, एंड ये मास्क अभी सिर्फ कैमरे के लिए मास्क निकाला है, मास्क वैसे निकाल नहीं रहा था, क्योंकि मैं अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं मास्क निकालने नहीं दूंगा, तो कैमरे के लिए निकाला है। एंड जस्ट सीपी का जो वाइब है वो पहले जैसा ही क्रेजी है। तो ऐसा करते हैं आज का वीडियो हम सोच रहे यहीं ख़त्म करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।